सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ विथ मनी। सो आज के वीडियो में हम कुछ मेकअप प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जो कि मैंने आर्ट कला और 5 मिनट क्राफ्ट पे देखे हैं। एंड इस वीडियो को मैं बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले अपनी लाइफ में कभी भी DIY मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं बनाए हैं किसी भी टाइप के। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और देखने के लिए कि क्या ये जेन्युइनली वर्क करते हैं सेम जैसा ये दिखाते हैं या नहीं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फीमेल फ्रेंड। सो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट प्रोडक्ट हम बनाने वाले हैं वो है फेस प्राइमर। इसमें इन्होंने 3 टेबलस्पून वाटर लिया है, 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल एंड कुछ ड्रॉप्स ऑफ एलमंड ऑयल। तो सेम हम इसी प्रोसीजर से हम भी फेस प्राइमर को बनाते हैं। तो मैंने 3 टेबलस्पून वाटर लिया, 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लिया और थोड़ा सा एलमंड ऑयल लिया और तीनों को बहुत प्रॉपरली मिक्स करना है। मिक्स करने से ही ऐसा टेक्सचर आएगा। तो ये हमारा फेस प्राइमर रेडी हो गया है। इसे मैंने एक छोटे से डिब्बे में स्टोर कर लिया है एंड यू कैन सी ऐसा बना है हमारा फेस प्राइमर। तो दिखने में तो सेम एज इट इज जैसा उनके वीडियो में बन के टेक्सचर आया था, सेम वैसा ही कलर मेरे भी प्रोडक्ट का आया हुआ है। तो चलिए अभी इसे मैं आपके हाथों पे लगा के दिखाऊंगी। वैसे इस प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा डिफरेंस थ्रू कैमरा तो नहीं दिखेगा, बट एज मच एज आई थिंक कि हाँ ये एज अ फेस प्राइमर हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं हैं जो हमारे फेस के लिए हार्मफुल होंगे। तो इसे एज अ फेस प्राइमर डेफिनेटली हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई टोटली रिकमेंड कि यस आप इसे बनाइए एंड इसे ट्राई करिए एज अ फेस प्राइमर। तो थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट। तो जो सेकेंड प्रोडक्ट हम बनाने वाला है, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, नॉट फेवरेट आई कैन से, मैं इसको बनाने के लिए एंड इसे ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज अगर ये वर्क कर गया तो डेफिनेटली यार ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होने वाला है। तो जो सेकेंड प्रोडक्ट जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो कंटोरिंग स्टिक होने बनाने वाली हूँ। एंड इसमें इन्होंने लिया है वैसलीन जो इन्होंने मेल्ट कर लिया है एंड फिर उसके बाद इन्होंने इसमें कुछ ब्राउन आई शेडो या फिर कंटोरिंग का जो पाउडर आता है वो मिक्स कर दिया है। तो चलिए मैं भी सेम प्रोसीजर से इस प्रोडक्ट को बनाती हूँ। मैंने वैसलीन को मेल्ट कर लिया है और उसमें थोड़ा सा कंटोरिंग पाउडर मिलाया है और उसको प्रॉपरली ब्लेंड कर लिया है। तो बेसिकली मुझे इस प्रोडक्ट को बनाने में थोड़ी सी इशू हुई वाइल मेल्टिंग वैसलीन, बिकॉज मेरी वैसलीन पता नहीं क्यों माइक्रोवेव में मेल्ट नहीं हो रही थी। 1 to 2 मिनट्स मैंने रखा बट वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई। फिर मैंने उसे गैस पे गर्म करके मेल्ट किया तो वो ईजिली मेल्ट हो गई। तो अगर आप बनाओगे तो मेक श्योर कि माइक्रोवेव में मेल्ट ना करो, बिकॉज वो मेल्ट नहीं हो रहा था। एंड अगर आपको माइक्रोवेव में मेल्ट हो जाता विद इन 1 or 2 मिनट्स तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेशन, बिकॉज पता नहीं क्यों मेरा नहीं हुआ। सो इसे मैंने फिर बनाने के बाद स्टोर कर लिया है एक लिपस्टिक के डब्बे में एंड मैंने इसे बहुत प्रॉपरली क्लीन किया था। मेरी हालत ख़राब हो गई थी इसे क्लीन करने में एंड इसको स्टोर कर लिया था फ्रीज में। एंड ये देखिए ऐसे स्टिक से बनी, ये थोड़ा मेल्टी मेल्टी हो गया बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी। एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इट। पहले हाथ पे अप्लाई करेंगे देन फिर फेस पे अप्लाई करके देखते हैं। ये काफ़ी मेल्टी मेल्टी सा लग रहा है बस। ओह नो, ये आई थिंक मेल्ट की वजह से बहुत बहुत मेल्ट हो गया है। आप पे फिर से लगा के देखते हैं, शायद मैंने ज़्यादा लगा लिया या मेल्टिंग। तो एक बार फिर से लगा के देखूंगा मैं, इस बार अपने हाथों से लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गया है। ट्रस्ट मी, ये देखो बिल्कुल मेल्ट हो गया है। तो उनका तो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ है, आई डोंट नो मेरा क्यों इतना मेल्ट हो गया। उनका काफ़ी हार्ड था बट मेरा नहीं। पर्सनली आई डोंट थिंक दिस इज़ वर्किंग एट ऑल, बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। बट फिर भी एक बार फेस पे लगा के दिखाऊंगी आपको। तो हल्का सा फिर आ रहा है, मतलब जो कलर जिसे वैसलीन लगाते हैं तो फिर थोड़ा देर या लिप बाम लगाते हैं तो कलर आता है, तो वैसा आ रहा है। लेकिन अगर इसे थोड़ा सा ही ब्लेंड करेंगे तो आई डोंट थिंक ऐसा बिल्कुल भी रहने वाला है। आई डोंट नो आंटी जी की इतने अच्छे से कैसे कंटोरिंग हो जा रही है, बिकॉज मेरा तो यहाँ पे बिल्कुल मेल्ट हो गया है। एंड ट्रस्ट में मैंने हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं हुआ है यार, इसे हाफ एन आवर भी नहीं हुआ है मैंने इसे निकाला है फ्रिज से एंड मैंने इसे 24 आवर्स तक फ्रिज में रखा था। तो यार अगर इतनी जल्दी मेल्ट हो रहा है तो आई थिंक हमारे यहाँ का एटमोसफेयर ऐसा ही है। तो सो पर्सनली आई वॉन्ट रिकमेंड यू कि आप ट्राई भी करो, बिल्कुल मत बनाना, पूरा वेस्ट हो जाएगा। मेरा तो वेस्ट हो गया आई थिंक। हाँ इसे एज ए लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, एज ए वैसलीन जैसे यूज़ करते थे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट एट ऑल लाइक कंटोरिंग स्टिक। बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, इतना जल्दी मेल्ट हो जा रहा है। और फिर ये वैसलीन वैसलीन का टेक्सचर, जैसे वैसलीन लगाने के बाद हमें फील होता है वैसा ही टेक्सचर आ रहा है, बिल्कुल भी कंटोरिंग स्टिक का टेक्सचर नहीं आ रहा है। तो आई एम जस्ट थम्स डाउन फॉर दिस वन,
नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. एंड मेरे हाथ देखो फिर पूरे कैसे हो गए, इतना मेल्ट हो रहा है. तो नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज वो है बीबी क्रीम. एंड फॉर दिस हमें 3 टेबल स्पून बॉडी लोशन लेना है, कोई भी बॉडी लोशन ले सकते हैं. फिर 2 टेबल स्पून पाउडर लेना है, बेबी पाउडर या कोई भी पाउडर ले सकते हैं, आई थिंक बेबी पाउडर लेकिन इन्होंने बोला था. एंड देन थोड़ी सी कॉफ़ी एंड थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी. तो विद द सेम प्रोसीजर लेट्स गो एंड मेक दिस प्रोडक्ट. तो ये मैंने 3 टेबल स्पून मॉइस्चराइज़र लिया है, 2 टेबल स्पून बेबी पाउडर लिया है, थोड़ी सी कॉफ़ी और थोड़ी सी हल्दी ली है. तीनों को बहुत प्रॉपरली मिक्स कर लिया है और मैं कंटेनर स्पून दोनों छोटा ली हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहती हूँ. तो ये मैंने बना लिया है बीबी क्रीम एंड मैंने इसे स्टोर कर लिया है. तो अभी मैं इसे लगाने वाली हूँ अपने हाथों पे. तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने हल्दी ज़्यादा मिक्स की, मैंने थोड़ी सी मिक्स की थी, ज़्यादा नहीं मिक्स की थी. जैसा जितना उन्होंने यार किलो क्वांटिटी तो बताते नहीं है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही लगा तो मैंने डाला. यस, मैं इसे अपने फेस पे भी अप्लाई करने वाली हूँ इस साइड. थोड़ा तो डिफरेंस आ रहा है, आई कांट से कि बिल्कुल ख़राब है ये प्रोडक्ट, बिल्कुल वर्क नहीं करता. अब जो भी हल्दी की वजह से आ रहा है या किसकी वजह से आ रहा है, बट हाँ थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा ब्राइटन कर रहा है. तो यस, अगर आपके पास बीबी क्रीम ख़त्म हो गया एंड एमरजेंसली लाइक टू शूट वीडियो और टू क्लिक फोटोज़ अगर आपको चाहिए, तो हाँ ये आप बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो. बट इतना इफेक्टिव मुझे नहीं लगा, नीदर थम्स अप नीदर थम्स डाउन, इट्स ओके. तो फोर्थ प्रोडक्ट जो मैं बनाने वाली हूँ वो है आई शेडो. येस, एंड ये आई शेडो इन्होंने बनाया है क्रियॉन्स एंड कोकोनट की हेल्प से ऐसे. तो चलिए विद द सेम प्रोसीजर हम भी बना लेते हैं. ये मैंने क्रियॉन्स को बहुत प्रॉपरली मेल्ट कर लिया, आप देख सकते हो धुआं भी निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा. एंड फिर इसको मैंने कोकोनट ऑयल में मिक्स कर लिया है, मैंने इसमें स्टोर कर लिया था. तो चलो अभी इसे लगा के देखते हैं कि कैसा आता है. तो ब्रश तो इन्होंने लगाया था तो हम भी ब्रश से लगाएंगे भैया. तो यार इस प्रोडक्ट का डिफरेंस तो आपको साफ साफ मेरी आंखों पे दिख रहा होगा कि यस ये प्रोडक्ट बिल्कुल वर्क करता है, 110% वाला वर्क करता है, बिल्कुल कलर दे रहा है. मैंने रेड कलर का आई शेडो बनाया था एंड ये बिल्कुल क्लियर कलर दे रहा है मेरी आंखों पे, देखिए. तो अब मैं इसे अपनी दूसरी आंखों पे भी लगाने वाली हूँ. तो आप देख सकते हो मैंने अपनी दोनों आंखों में आई शेडो लगा लिया है एंड मैंने बहुत प्रॉपरली ब्लेंड करते हुए लगाया है. तो बहुत अच्छा टेक्सचर आया है, बिल्कुल नॉर्मल हमारा जैसा हम आई शेडो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही लुक आ रहा है. तो प्रोडक्ट के लिए मैं बिल्कुल थम्स अप देना चाहूँगी एंड 110% आपको एक बार तो ये प्रोडक्ट जरूर बना के ट्राई करना चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है मेरी आंखों. सो जो फिफ्थ और लास्ट प्रोडक्ट होने वाला है वो आई लाइनर है एंड आई एम रियली वेरी मच एक्साइटेड कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है. लेकिन मुझे लग रहा है ये वर्क करने वाला है बिकॉज हमारा आई शेडो कितना बढ़िया वर्क किया है, तो माइट भी ये भी बहुत अच्छा वर्क करने वाला है. एंड इसे भी मैंने क्रियॉन्स और कोकोनट की हेल्प से बनाया है, सेम जैसा इन्होंने बनाया है. तो चलिए हम भी सेम प्रोसीजर से हाईलाइनर को बनाते हैं. मैंने क्रियॉन्स को ग्रेट कर लिया और कोकोनट ऑयल को थोड़ा गर्म करके दोनों को प्रॉपरली मिक्स कर दिया है. तो ये मेरा आईलाइनर रेडी है, अब मैं इसे लगाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ द ब्रश. थोड़ी सी आईलाइनर लगाने में कच्ची हूँ बट आई विल ट्राई. सो आई वॉन्ट रिकमेंड यू कि आप ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी ट्राई करो, बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा. और पता नहीं ये ऑयल है तो ये सूखेगा भी कि नहीं, वाटर प्रूफ ठीक है, ऑयल पे वैसे भी पानी गिरता है तो नहीं होता है, बट मैंने वाइप कर लिया है एंड आई डोंट थिंक ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी वर्क कर रहा है एज अ आई लाइनर. हाँ अगर आप क्रियॉन से आई शेडो बनाओ तो वो फिर भी वर्क कर रहा है, बट नॉट एट ऑल आई लाइनर. आई लाइनर बिल्कुल ऑयल मिक्स कर दिया तो वो कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम ऐसा हो जा रहा है. तो आई वुड रिकमेंड कि आप इसे बनाओ और ट्राई करो बिकॉज ये आई डोंट थिंक ड्राई भी होगा क्योंकि ऑयल है तो ये ड्राई होने के चांसेस इसके कम है. हाँ वाटर प्रूफ हो सकता है, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं किया एंड आई वुड रिकमेंड कि आप इसे एज आई लाइनर यूज़ करो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, होप यू एन्जॉयड द वीडियो. और इनमें से अगर आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हो तो आई रिकमेंड कि आई शेडो और फेस प्राइमर दोनों ज़रूर ट्राई करना, दोनों बहुत ही अच्छे हैं. एंड इफ़ यू वॉन्ट कि मैं इसका सेकेंड पार्ट भी बनाऊँ तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेशन. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द वीडियो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेशन एंड प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है एंड डू शेयर विद योर फीमेल फ्रेंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.